हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भिवंडी के शांति नगर के पीछे एक खदान में, जहां 5 बच्चे नहाते समय 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गए। जी हां, इसमें 2 बच्चे जो है फिलहाल इन्हें स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लाया गया है और पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। और आपको मैं इसमें और एक चीज बता दूँ कि ये दोनों बच्चे जो है 18 साल की कम उम्र के थे। इसी के साथ साथ यहाँ के स्थानिकों ने जो खदान को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि यहाँ पर जो इस तरह के एक्सीडेंट और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि इस खदान को यहाँ पे जल्द से जल्द बंद किया जाए। ये दोनों बच्चे शांति नगर नूरी नगर के रहने वाले थे। फिलहाल तालुका पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। कट्टे के वजह से हाँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ताजिया देख कर आता हूँ बोल के गया। उधर कहाँ चला गया मालूम नहीं, कैसा 4 बजे गया भाई, 4 बजे 5:30 बजे खबर आई है सब। मैं पूरे गांव में घूम रही हूँ, कोई बोलता है जिम में लेके गए, कोई बोलता है उधर सिराज में लेके गए। मेरा बच्चा जैसा इंतकाल कर गया वैसा और बच्चों का नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे वो खड्डे के वजह से मर गए हैं। मेरा इतना बड़ा बच्चा मर गया, बताओ। अभी अभी मेरे बच्चे को इधर ही लेकर आए हैं। इनका लड़का है। मेरे बच्चे के साथ में जैसा हुआ वैसा और लोगों के साथ में ना आए। मेरा तो चला गया और किसी का ना जाए। पाइपलाइन पीएनसी के बाजू में चाबिंद्रा पो गांव का मसला है। ये अपना ये जो ऑफिस है पाइपलाइन का पीएनसी का, उसके बाजू में है वो, वहां के मराठी पो गांव की जगह है बराबर। तो उसमें हर साल वो मट्टी खोदा के बाहर सप्लाई करते हैं। और इसके पहले भी कम से कम ये आज 5 साल से ये घटना हो रही है वहाँ। कभी 2 बच्चे, कभी 4 बच्चे, कभी 3 बच्चे, कभी 5 बच्चे बराबर। यहाँ की सरकार या गवर्नमेंट या यहाँ के नेता कोई भी हो, कोई इसके बारे में एक्शन नहीं ले रहा है, खाली जान पे जान जा रही है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसको बंद करा दीजिए, गड्ढा बंद करो। आज हमारे घर का हादसा हुआ, कल आपके घर का होगा, किसके भी घर का हादसा होगा। और गरीब के बच्चे को कब तक देखेंगे, वो इधर उधर भागते रहते हैं। दम बंद कर दो, दम रोते हुए हमारे घर के पास आया। तो मेरा छोटा भाई उससे पूछा कि मतलब क्या हुआ, तो वो बोला कि वहाँ 2 बच्चे डूब गए हैं। तो हम लोग पूरा मोहल्ला यहाँ से दौड़ते गए तो देखे वहाँ पे कपड़ा दोनों का उतार के रखा हुआ था और कहीं मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। फिर हमारे मोहल्ले के लोग जमा हुए वहाँ पे, तो उसके बाद में जो है 5-6 छोकरे लोग हम लोग कूदे, फिर उसके बाद में ढूंढा गया तो निकला तो जिसमें से कि वहीं पे खत्म हो चुका था। तो उसके बाद में कितने लोग थे? हम लोग ये लोग 2 लोग थे। अच्छा। हम लोग निकालने वाले 5-6 लोग थे। अच्छा, तो फिर आप लोग ने निकाल के? हाँ, निकाल के हम लोग साथ हैं। अच्छा। और कितने बजे की घटना है? घटने के बारे में अपने को नहीं मालूम, मैं करीब वहाँ पहुँचा हूँ 5:30-5 के बीच में पहुंचे हुआ। हाँ, मतलब जब हल्ला हुआ है कि वो लड़के लोग अगर बताते नहीं तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। हम लोग घर में थे। देर के बाद में आप लोगों ने निकाले? हम लोग ये समझ लो 1 घंटे के बाद निकाले। कितने बजे आए थे तो वो लड़का आके आपको बोला कि ये 5:30 के बीच में? हाँ, ठीक है। हम लोग अपने घर पे थे तो लड़का जब रोया ना तो मेरा भाई छोटा पूछा क्या हुआ। नहीं, दोनों एक ही जगह से मिले। हाँ, 2 चुकड़े और थे साथ में, एक अबुल संसारी का लड़का और एक हमारे क्या बोलते रहे सलीम भाई मरहूम का लड़का था। अच्छा। 2 लड़के और थे तो वो लोग मतलब बताए, और एक लड़का और 3 लड़के साथ में वहाँ थे और 2 लोग डूबे, 3 लोग साथ में थे। तो उसमें से क्या अबुल संसारी का लड़का ला के बताया है तो हम लोग पहुंचे है सब, पूरा मोहल्ला गए। नाम एक का शायद गुलाम है और कहीं मालूम।